दुनिया में कायम हो चुका है। और इसके लिए हम बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो भारत सरकार की सफलता के बारे में बताएंगे कि ये G20 की बैठक के बाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि G20 की सफलता के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी की कूटनीति पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। अलग अलग दूरी के देशों को पीएम मोदी एक मंच पर लेकर आए और अलग अलग मुद्दों पर सहमति बनाने में भी कामयाबी हासिल की। यह कैसे संभव हुआ? निश्चय, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कल अपने आरंभिक सत्र में ही कहा था कि नीड टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट इनटू ग्लोबल ट्रस्ट, उसका एक बेहतरीन हमें उदाहरण मिला, बेहतरीन मिसाल मिली है। इतने विवादात्मक विषयों के बावजूद इस प्रकार का डिक्लेरेशन होना, और कंटेंट भी है, स्केल भी है, 60 स्थानों पर होना, 300 से अधिक बैठकें होनी, इतनी भारी संख्या में लोगों का, डेलीगेट्स का आगमन होना। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मुझे निजी तौर पर एक बात की बड़ी तसल्ली हो रही है, वो ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने, जैसे आपने ठीक कहा, उनका कद और ऊंचा हो गया, लेकिन जो उन्होंने पहल की है, एक तो G20 को G21 बनाने में, अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण जिसका हमारे साथ एक ऐतिहासिक जुड़ाव भी है, वो है भारत मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। जैसे ही मैंने ये समाचार मुझे मिला कि डिक्लेरेशन में ये सम्मिलित हो चुका और पारित हो गया, तो तुरंत मुझे वो काबुली वाला का दौर याद आ गया कि उस रूट से आया करते थे, हमारी कहानियों और साहित्य का हिस्सा बन चुके थे, वहां से व्यापार होता था उस रूट से। और अब दुर्भाग्यवश बंटवारे के बाद वो सारा समाप्त होता रहा। तो पोस्ट पार्टीशन इंडिया की जो क्वेस्ट थी उस पीढ़ी की कि फिर से वो रास्ते हमवार हों, उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम। आने वाले समय में जब वहां पर रेल का ट्रैक होगा, जब वहां पर समुद्री जहाज चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय की तजारत है, गुजरे वक्त की नहीं, जैसे यूरोप ने कहा कि हम 300 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए भी रास्ता हमारा होगा। सर, G20 को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि समिट में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर भारत ने 100% सहमति बनाने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन क्या ये मोदी मैजिक की वजह से हुआ? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी की गारंटी पर ही G20 के सभी सदस्य देश नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमत हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सर कॉरिडोर का ऐलान होना। निश्चय, ये जो पहल की गई है भारत की ओर से, इससे सारे विश्व का लैंडस्केप बदलेगा। एक तरफ जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक तरह का वीटो राइट था कि आपको वो आप ऊपर अपने स्काइज का इस्तेमाल करके जाने देता नहीं जाने देता, तो आपको एक तरह से निर्भर रहना पड़ता था उनके तकाजों पर, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। दूसरा, जहां चीन की तरफ से बार बार समय समय पर इस प्रकार के इनपुट्स आते हैं कि वो कोई नया कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहे हैं, कुछ और नया सड़कें बनाने की योजना बना, तो उसके ऊपर भी आपको एक स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज मिला। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण ये भी कि आपने व्यापार बढ़ाने के लिए ना केवल व्यापार के इकोनॉमिक पूल को ही में ही इजाफा किया है, बल्कि उसकी फैसिलिटेशन भी की है। आपने एक नए चैनल्स खोले हैं, और जैसा कि, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अरेबियन पेनिनसुला में जो समय समय पर तापमान ऊपर नीचे हुआ करता था, कभी कोई कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस बनती थी, उस पर भी जब कनेक्टिविटी होगी तो कनेक्टिविटी से बहुत सारे और विषयों का भी समाधान हो जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बड़ी खूबसूरत बात कही कल इसी संदर्भ में, उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं बल्कि आपसी विश्वास बढ़ाने का भी एक सोर्स है, और कनेक्टिविटी से कई शक शुबे भी दूर होते हैं कई। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर, प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्वयं कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, और मुझे लगता है कि इट लिटरली इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। सर, दुनिया का नजरिया बदला है भारत को लेकर G20 समिट के बाद, ये सबको मालूम है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, अब से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने बहुत कड़े रुख अख्तियार किए हैं एक बार फिर से पश्चिमी देशों को लेकर। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि भारत के G20 समिट से पश्चिमी देशों का वर्चस्व खत्म किया है, तो ये भारत सरकार का इस पर क्या स्टैंड होगा?
भारत का तो कभी ऐसा हम ऑफिशियली औपचारिक तौर पर नहीं कहा, भारत का समय पे ये नीति रही है कि हम इंक्लूसिवनेस के साथ चले, लेकिन हाँ वो अब जमाना जाता रहा जब भारत दूसरों की अगुवाई में काम करता था। अब भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लिख लीजिए, उसमें फिर से श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिस प्रकार से अनेकों क्रांतिकारी निर्णय लिए गया, अंतरिक्ष को खोल दिया गया व्यापार जगत के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप के लिए, कहाँ हम बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चर उठा करके जाते थे, आज हमारा 600 करोड़ का चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर जा पहुंचा और दूसरे कई गुना उससे अधिक 16,000 करोड़ के मिशन उस तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। ये सब इसलिए संभव हुआ कि हमने आज देश विश्व के आगे ये बात सिद्ध की है कि हम किसी से कम नहीं है, प्रतिभा में कम नहीं है, योग्यता में कम नहीं है। हमारे पास शायद उस तरह का इनेबलिंग मिलियो नहीं था, वो वातावरण नहीं था नीची निर्धारकों के स्तर पर जो मोदी जी ने ला करके हमें दिया। और जैसे ही ऐसा संभव हुआ तो 3-4 बरस में देखिए आप अंतरिक्ष के विभाग में ही कायापलट हो गई। सर जब भी कोई सफल कार्यक्रम होता है तो पीएम मोदी अपनी टीम का जरूर जिक्र करते हैं। G20 समिट के दौरान भी उन्होंने टीम मोदी का जिक्र किया, तमाम विभागों के तमाम चेहरों के बारे में फोकस किया। हम उस टीम मोदी से मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि कैसे टीम ने काम किया और कैसे ये G20 सफल आयोजन हो सका। निश्चय ये तो मैं समझता हूं कि अगर आप एक ही वाक्य में कहें तो क्रेडिट गोज टू द क्राफ्टमैनशिप ऑफ द टीम। इसमें कूटनीति भी थी, बुद्धिमत्ता भी थी और एक बड़ी उम्दा बात जिसका अक्सर जिक्र नहीं होता, ये जो हमारा डिक्लेरेशन आया है ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इवेसिव है कि कुछ बातें छुपाई गई, कुछ बातों पर पर्दा डाला गया, कुछ बातों को कम करके कहा गया, कुछ बातों को घुमा फिरा के कहा, ऐसा नहीं है, बड़ी ईमानदारी से फोर्थ राइट है। लेकिन चूंकि इसमें तर्क है और तर्क के साथ साथ तथ्य है इसलिए ये कन्विंसिंग बनता है। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन के मामले में डिक्लेरेशन स्वयं कहता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है G20 का, ये प्लेटफॉर्म मूलतः आर्थिक विषयों को लेकर के है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए है। हम कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को लेकर के, युद्ध इत्यादि की स्थितियों को लेकर के, जियोपॉलिटिकल झगड़ों के लिए मैंडेटेड नहीं है, लेकिन हम इसलिए इस विषय को ले रहे हैं क्योंकि युद्ध की स्थिति के उपरांत सारी मानवता पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उनकी उनकी फूड सिक्योरिटी पर, उनकी सप्लाई चेन पर, इसलिए हम उसको लेकर के चिंतित हैं। और उस तरह से वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए एक अपील करता है। सर आखिर में ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समिट में सबसे ज्यादा हमने सुना कि मुश्किलें यूक्रेन को लेकर आई और हमें ये भी पता चला कि यूक्रेन पर ही सबसे ज्यादा मथापच्ची हुई है। तकरीबन 200 घंटे की नॉनस्टॉप बातचीत हुई, 300 द्विपक्षीय बैठकें हुई और 15 ड्राफ्ट तैयार किए गए, इसके बाद जाकर यूक्रेन पर सहमति बन पाई है, ये कैसे हुआ? इसमें तो ये केवल सामूहिक नहीं, 1-to-1 मीटिंगें, चर्चाएं, कॉफ़ी पर बैठ करके, भोजन पर बैठ करके, अधिकारियों के स्तर पर, क्योंकि कल प्रातः तक बल्कि परसों तक बहुत सारे लोग तो ये अनुमान लगाए बैठे थे कि शायद डिक्लेरेशन ज्वाइंट हो कि ना हो, और हो तो यूक्रेन का उसमें उल्लेख आए कि ना आए। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि ये जो लेख आया है ये आधा अधूरा भी नहीं है, ये इवेसिव नहीं है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सिर्फ औपचारिकता के खातिर उसको रेफर उसमें उसका उसका उसको उसकी तरफ इशारतन बात की गई है, ऐसा नहीं है, बड़ी तफसील में, बड़ी विस्तार में बात हुई है और खुल करके बताया गया कि ये हमारा मानना है और इस कारण है, और इसीलिए सब जितने भी भागीदार देश थे इसके सदस्य वो इससे कन्विंस हुए। और निश्चय ही जैसा कि कहा गया कल भी आज भी, हमारे वो अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत की, लगभग 5 रात तो शायद लगातार ही मेहनत चलती रही है और एक निरंतर एक प्रक्रिया रही। सर हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया और हम आगे भी चाहेंगे कि भारत सरकार इसी तरीके से कदम उठाए और भारत सरकार G20 की सफलता के बाद और भी कई समिट में इसी तरीके से कदम उठाए।
तो G20 में भारत को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी कामयाबी यह है कि दिल्ली घोषणा पत्र को सहमति से मंजूर कर लिया गया है। यह अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें यूक्रेन का जिक्र आया लेकिन रूस का सीधा नाम नहीं आया। एक तरफ अमेरिका और यूरोप यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त घोषणा पत्र में रूस के खिलाफ कड़ी भाषा के इस्तेमाल पर अड़े थे, दूसरी ओर क्या हो रहा था, रूस और चीन रूस यूक्रेन जंग के जिक्र का विरोध कर रहे थे। लेकिन G20 समिट के पहले दिन घोषणा पत्र पर सहमति बनकर भारत ने अपनी कूटनीति का लोहा बनवा लिया दुनिया के सामने। एक खुशखबरी मिली है, हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत ने G20 को एक ऐसे कूटनीतिक आयोजन में बदल दिया है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में चर्चा सिर्फ एक बात की है कि इतनी आसानी से नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति कैसे बन गई। एक नहीं, अमेरिका के समर्थक दर्जनों देश यूक्रेन युद्ध को लेकर अड़े हुए थे। रूस और चीन अपना एक अलग गुट बनाकर चल रहे थे। बाइडन की अगुवाई में नेटो के देश भी अपने रुख से टस से मस नहीं हो रहे थे। लेकिन विश्व मित्र मोदी ने सबको साथ लिया और वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर समिट में साझा सहमति बनाना यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये युद्ध का समय नहीं है, ये मोदी के वचन है और यही वचन यही भाव अब दिल्ली के घोषणा पत्र में भी शामिल हो गए हैं। खबर है कि G20 समिट की सबसे बड़ी चुनौती थी यूक्रेन पर आम सहमति बनाना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भी संभव कर दिखाया। G20 बैठक में यूक्रेन पर सहमति बनाने के लिए मैराथन बैठक। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। भारत में जिस सनातन धर्म पर सियासी संग्राम छिड़ा है उसी सनातन पर सात समंदर पार से आए दुनिया के बड़े सुपर पावर में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गर्व महसूस करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका भारत की सरजमी से 3 पीढ़ी पहले नाता छूट गया था, लेकिन भारत की सरजमी से दूर होने के बावजूद ऋषि सुनक सनातन से दूर नहीं हुए। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति वाले देश में पढ़ने लिखने के बावजूद ऋषि सुनक ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। वो जब ब्रिटेन में होते हैं तब भी कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, देश से बाहर होते हैं तो भी सनातनी होने के गौरव का एहसास करवाते हैं। तो फिर क्या क्या वजह है कि हिंदुस्तान की राजनीति में सनातन पर संग्राम छिड़ा हुआ है? भारत के कई सियासी दलों के नेताओं में इन दिनों सनातन पर प्रहार करने की जैसे रेस चल पड़ी है। कोई सनातन की तुलना बीमारी से कर देता है तो कुछ किसी और चीज से कर देता है। सवाल है कि क्या ऋषि सुनक की जो तस्वीर दिल्ली में पूरी दुनिया ने देखी, क्या वो तस्वीर उन लोगों को आईना दिखाने का काम करेगी जो लोग सनातन से सियासी मजबूरी की वजह से उसे कोसते हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ऋषि सुनक की सनातन की झलक वाले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जब भी भले हो भारत में हो चाहे ब्रिटेन में हो या कहीं और हो, हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि आई एम अ प्राउड हिंदू, मुझे गर्व है अपने सनातनी होने पर, मुझे गर्व है कि मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ। तो भारतीय संस्कृति सभ्यता और सनातन पर गर्व करने वाले ऋषि सुनक ब्रिटेन में हर पर्व त्योहार ठीक वैसे ही मनाते हैं जैसे हम और आप भारत में रहते हुए मनाते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात की थी जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है,
उन्होंने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का भी जिक्र किया। ऋषि सुनक दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। कुछ महीने पहले ऋषि सुनक मोरारी बापू से भी मुलाकात उन्होंने की और जय सियाराम बोलकर अभिवादन भी किया था। सुनिए। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my rakhis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly. तो देखिए, सात समंदर पार से जब ऋषि सुनक यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर, सनातनी होने पर मुझे गर्व है, लेकिन भारत में इसी मुद्दे को लेकर लगातार सियासी संग्राम मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत आनंद जी सरस्वती महाराज जी है, महामंडलेश्वर हैं, मॉरिशस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही, और इसके अलावा स्वामी नवल किशोर महंत हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन सबसे पहला रिएक्शन उमाकांत आनंद जी आपसे ही मैं लेना चाहूंगी। ऋषि सुनक आते हैं और ऋषि सुनक जब भी आते हैं हमेशा उनका सबसे पहला मैं ये कहूँ बयान आने से पहले भी, फिर वो चाहे ब्रिटेन में हो चाहे भारत में हो, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ, सनातनी होने पर मुझे गर्व है, मुझे अपनी जड़ों से प्रेम है। लेकिन इसी सनातन को लेकर अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातन को चोट करने की होड़ मची हुई है। एक ना एक बयान हम देखते हैं।